हाय गाइस, आज हम आपको हाउस वायरिंग किस प्रकार की जाती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम स्टील वायर की मदद से रूम में सप्लाई के लिए वायर बांधते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, इसमें स्टील वायर की मदद से सर्किट भेजा जा रहा है। अलग अलग स्विच बोर्ड के लिए अलग अलग से लाइन खींची जा रही है। इसमें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे उस रूम की सभी लाइन इस एमसी बॉक्स में आ चुकी है स्टील वायर की मदद से। इसमें हमने 1.5 mm के दो सर्किट, 2.75 mm और इन्वर्टर। सबसे पहले अपन इसमें 2.5 mm के वायर को स्विच बोर्ड तक नाप रहे हैं। इसमें केवल स्पेस वाले वायर को ही नापा जा रहा है। इस प्रकार नाप के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वायर लेके इसको कट कर देते हैं। अब हम इसके साथ ही न्यूट्रल वाले वायर को भी उसी नाप के हिसाब से काट देंगे। अब हम इसके साथ ही अर्थिंग वाले जो हरा वायर है 0.75 का, उसको भी इस प्रकार से नाप लेंगे। और ये हमने थोड़ा बहुत कॉमन किया है जो अपन फैन बॉक्स में कॉमन करते हैं। उसके बाद ये दूसरा वाला जो कॉमन किया है वो हम एसी के आउटपुट के लिए कॉमन किया गया है। अब हम 1.5 mm के दूसरे वायर को दूसरे बोर्ड में इस प्रकार से नाप के लाइन को कट कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काटना है ताकि हमारा वायर छोटा नहीं पड़े। अब हम दूसरे वाले 1.5 mm के सर्किट को मेन जो स्विच बोर्ड है उसमें सप्लाई के लिए नाप रहे हैं। यह हमारा एंट्री वाला स्विच बोर्ड है, इसके लिए अपन लाइन नाप रहे हैं और इस प्रकार से उसको कट कर देंगे। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम बेड वाले स्विच बोर्ड में दो टू वे यानी कि टू वे के चार तार, चार वायर और 2.5 mm का सर्किट और 0.75 का एक वायर और पंखे का एक वायर और एक दीवार वाला पॉइंट इसके साथ ही खींच रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वायर को खींचते समय बड़ी सावधानी से खींचना चाहिए ताकि वायर छिले नहीं।
चलिए अब हम एसी के आउटपुट के लिए दो वायर लेंगे और इन दोनों वायरों के अपन एक एक निशान जरूर लगाएंगे ताकि हमें स्विच बोर्ड में पता रहे कि ये एसी के आउटपुट के वायर हैं, ताकि बाद में स्विच लगाते समय में परेशानी ना हो। अब हम स्टील वायर की मदद से इस वाले बेड वाले स्विच बोर्ड में वायर खींचेंगे। चलिए अब हमारे पास ये वायर पहुंच चुके हैं स्विच बोर्ड में। जैसे कि हमने, चलिए अभी अपने आउटपुट के थोड़े वायर को थोड़ा बड़ा काट लिया है ताकि एसी कनेक्ट करते समय वायर छोटे नहीं रहे। चलिए अब हम दूसरे स्विच बोर्ड में उसकी सप्लाई उतारते हैं। इसमें हमने एक जो बेड स्विच वाला जो बोर्ड है उसके लिए एक दीवार वाला पॉइंट जो अपने इस वाली दीवार वाले पॉइंट में छोड़ दिया है। अब हम स्टील वायर की मदद से इस वाले स्विच बोर्ड में पहुंचा दिया है, इसमें लाइन पहुंचा दिया गया है। अब हम अर्थिंग वाले वायर को इसमें कट कर देंगे। चलिए अब हम छत वाले कंसील बॉक्स के पॉइंट खींचते हैं। इसमें अपन को 1 mm के दो वायर लेना है, एक न्यूट्रल और एक पॉइंट। खींचने के बाद इसमें अच्छी तरह से गांठ लगा दें ताकि वायर खींच के वापस नहीं निकल जाए, इस प्रकार से। चलिए अब हम दूसरे वाले कंसीट बॉक्स में पॉइंट खींचते हैं स्टील वायर की मदद से। इसमें भी अपन एक पॉइंट का और एक न्यूट्रल वाला वायर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम तीसरे वाले कंसीट बॉक्स में दो पॉइंट और एक न्यूट्रल वायर लेंगे, क्योंकि तीसरी कंसीट बॉक्स और चौथी दोनों आपस में कनेक्ट है, इसलिए अपन ने वहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं ताकि एक पॉइंट तीसरे वाले में रहे और एक चौथे वाले में आ जाए। ये अपन ने चौथे वाले पॉइंट में वायर खींच दिए हैं और अब हम तीसरे वाले पॉइंट में इस प्रकार से उसको ऐड कर देंगे ताकि हमारा नोटल इन दोनों का एक ही हो और हम यहाँ पे इसमें गांठ लगा देंगे। अब हम इन सब को मेन स्विच बोर्ड के वायर के बराबर नाप के कट कर लेंगे। अब हम इन सभी पॉइंटों को मेन जो एंट्री वाला स्विच बोर्ड है उसमें उतार रहे हैं स्टील वायर की मदद से। एंट्री वाले स्विच बोर्ड में एक फैन का टूवे और एक दीवार वाले लाइट का टूवे और एक सर्किट और एक अर्थिंग और एक इन्वर्टर और जो कंसील बॉक्स के जो पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट इस मेन स्विच बोर्ड में इस तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी